ये तस्वीरें टोंक जिले की हैं, जहां 4 साल बाद आज फिर से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि 2019 में यहीं पर कांवड़ियों पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, काफी उपद्रव देखने को मिला था, जिसके बाद यहां कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो फिर से टोंक में कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। कांवड़ यात्रा की अगुवाई खुद बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंदाचार्य और पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कर रहे हैं। देखो, कांवड़ यात्रा को लेके प्रशासन ने कल इनको अनुमति दी गई है, उसमें शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति दी है। उसमें शर्तें की है कि केवल कांवड़ यात्रा अनुमत होगी, कोई भीड़, कोई स्वागत समारोह, कोई जुलूस या कोई हुजूम किसी भी तरह का वो अलाउ नहीं होगा, डीजे अलाउ नहीं होगा, अनुमत मार्ग से अनुमत समय में ही वो यात्रा निकाली जाएगी और जो शर्तें हैं उनके अधीन रहते हुए वो अनुमति दी है। टोंक जिले के बीसलपुर के गोरखनेश्वर मंदिर से मालपुरा के लिए शुरू हुई कांवड़ यात्रा आज शाम को मालपुरा कस्बे में प्रवेश करेगी। जलाभिषेक कार्यक्रम की देखरेख के लिए जिला प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। मालपुरा में साल 2019 में समुदाय विशेष के इलाके में कांवड़ यात्रियों पर पथराव हुआ था, जिसके बाद माहौल खराब हो गया था। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया था, लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है तो फिर से कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई है। आज से डिग्गी मेला प्रारंभ हो गया जो 15 तारीख तक चलेगा, और चूंकि सावन का महीना है तो बहुत सारी यात्राएं चल रही है, जिसमें कांवड़ यात्रा है, डिग्गी की पैदल यात्रा है, उसको लेके लगातार हमारा सुपरविजन चल रहा है, पर्यवेक्षण चल रहा है और सभी पक्षों से वार्ता चल रही है, तो उसको लेके हमने आज इंतजाम की समीक्षा की है। कितने जवान जो है, कितने अधिकारी लगाए हैं? हमने डिग्गी मेले में लगभग 700 लोगों की ड्यूटी लगाई है, पुलिसकर्मी 700 हैं, शिफ्टों में ड्यूटी है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी है, हर शिफ्ट का प्रभारी एक डिप्टी एसपी है, उसके अधीन अलग अलग 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई है। मालपुरा कस्बे से कल गुजरेगी, उसको लेके हमने 1000 लोगों की ड्यूटी लगाई पुलिसकर्मी। हमारे पास 4 कंपनी आरएसी की हैं, 1 एसटीएफ की कंपनी है, एडिस एसपी हैं, बहुत सारे डिप्टी एसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, अधिकारीगण हैं, लगभग 1000 लोगों की ड्यूटी है। हमने इसको 12 सेक्टर में डिवाइड किया, यातायात की व्यवस्था अलग से है, बैरिकेटिंग है, सीसीटीवी कैमरे हैं पूरे रोड पे, ड्रोन की व्यवस्था हमने करी है, वीडियोग्राफर हमारे हैं, सिविल में हमने ड्यूटी लगाई है, महिला पुलिसकर्मी अलग से हैं, ये सारे इंतजाम हमने कर लिए, सभी पुख्ता इंतजाम है और सारी चीजें चेक कर ली गई है। कांवड़ियों के पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। इसके अलावा 25 डीएसपी, 15 एएसपी स्तर के अधिकारी, 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान, आरएसी और एसटीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। दंगा निरोधी वाहनों के अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी के लिए ड्रोन, बायनाकुलर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए टोंक में सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके, फिर उपद्रवियों की क्या मजाल है जो इस यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश करें। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।